जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, मुझे जो है बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी जो DFC सेल के जो पिछली बार एग्ज़ाम हुए थे, यानी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव के, ये तो अभी हो गए, लेकिन सर अभी बताइए कि जो अगली वैकेंसी जो DFC सेल की किस पोस्ट के लिए और कब आ सकती है। तो इसी पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। तो देखिए, ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये तो अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन इसका 101% गारंटी है कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो अगले 3 से 4 महीनों के भीतर जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो अंत तक देखना। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो पोस्ट है जो आपके अभी आने की संभावना है, तो वो है आपकी जो असिस्टेंट लोको पायलट, फिर उसमें आएगा आपका लोको इंस्पेक्टर एंड क्रू कंट्रोलर, ठीक है। ये 3 पोस्ट के लिए जो है आपका आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये पूरा डीओ है, गवर्नमेंट ऑफ जो रेलवे के अंतर्गत आता है ये DFCCIL, ठीक है। तो अभी आपको पता ही होगा, तो जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लगने वाला है, तो देखिए जो ALP के लिए जो है यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तो वो देखिए आपको 10th और उसके साथ जो है आपका ITI चाहिए होगा, ठीक है। जो अभी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पूरा क्लियर दिया होगा, लेकिन जहाँ तक मेरी माने तो आपको 10th और ITI लगने वाला है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस आप पे कोई एक्सपीरियंस आपको जो है नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन दोस्तों, ये आपको अगले 3 से 4 महीनों के भीतर जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये 101% गारंटी है कि जो आपका नोटिफिकेशन है जल्दी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो है सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि जो अभी देखो जो SNT का जो ये हुआ था, ठीक है, SNT का एक जो जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT है, तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो SNT का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो देखे जो 17 मई, ठीक है, यानी जो 17 मई को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और 18 मई को क्या है उनका मेडिकल है, ठीक है। यानी ये जो होने के बाद जो है जो अभी वैकेंसी आया था, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव का, तो उनका तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर बाकी रहता है कि वो उनका ज्वाइनिंग कब दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस इनका कंप्लीट होने के बाद ही आपको जो है ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें और भी इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, फिर सैलरी कितना रहेगा। तो देखिए जी, इसका एक्सपीरियंस तो मैं आपको बता दिया हूँ कि फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें स्किल की कोई डिजायरेबल नहीं है। फिर जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया में इसका रहता है, ठीक है, एंड इसका जो है देखिए ईस्टर्न साइड और जो वेस्टर्न साइड रहता है, ठीक है, उस साइड में इसका रहता है। और इसकी पे स्केल की बात करें तो ALB से भी जो रेलवे ALP है, ठीक है, RRB का, उससे भी अच्छा रहता है। देखिए इनका जो बेसिक पे की रेंज है वो देखिए 25,000 से लेकर 1,40,000 तक है, ठीक है। अगर आप बात करें RRB ALP की, ठीक है, RRB ALP की, तो वो आपका रहता है 19,000, ठीक है, और पूरा अलाउंस लेकर उनका ट्रेनिंग में उनको मिलता है 23,000। अगर इनकी बात करें तो इनको पूरा अलाउंस वगैरह सब मिलकर आप उनको मिलता है लगभग 40,000 के ऊपर इनका जो है ग्रॉस सैलरी बन जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी रेलवेज के अंतर्गत ही आता है। तो ये देखिए, ये जो अभी आपको डेट दिख रही होगी ना, तो ये जो डेट है ना, तो ये पिछली बार आई थी, ठीक है, जो आपका कोरोना था ना तब आई थी। तो देखिए उसके बीच में आई थी, तो उनने क्या दिया था कि जो 6 जुलाई से आपके फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएंगे और अक्टूबर 20 से क्या हो जाएंगे आपके फॉर्म जो एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोरोना से पहले की बात है, तो इन्होंने ये वाली डेट दी थी। मैं इसलिए मेंशन किया हूँ कि देखिए जो कोरोना की वजह से इन्होंने क्या किया था, ये नोटिफिकेशन थोड़ा डिले कर दिया गया था, लेकिन ये जो है ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, लेकिन अब ये डिले हो गया है। तो इसका 101% गारंटी है कि ये जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे अगले 3 से 4 महीनों के भीतर। तो इसमें एक बार पोस्ट मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, तो देखिए ये जो असिस्टेंट लोको पायलट की नंबर ऑफ पोस्ट, ये तो पूरा ऑफिशियल नहीं है, मैं अपने जो पूरा एनालिसिस किया हुआ पिछले नोटिफिकेशन का उससे मिलाकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसमें लगभग 1306 पोस्ट जो आपको देखने को मिल सकती है, और जो फिर लोको पायलट है उसमें भी 1306, और जो लोको इंस्पेक्टर है तो इसका थोड़ा क्वालिफिकेशन का डाउट था, तो वो जो अभी असली नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप पता चलेगा, ठीक है, लोको इंस्पेक्टर के लिए और क्रू कंट्रोलर के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन वो मांगने वाले हैं। तो देखिए जो लोको इंस्पेक्टर है उसके लिए 86
6 पोस्ट थी और क्रू कंट्रोलर के लिए 70 पोस्ट, यानी कुल मिलाकर जो है आपको 2786 पोस्ट जो है आपकी उस नोटिफिकेशन में बताई गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपकी अगले 3 से 4 महीनों के भीतर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे ही मई महीना में उनका SNT वालों का DVN मेडिकल हो जाता है तो आपको ये वैकेंसी जो है देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ गया तो फिर आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसका 101% जो है नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में लिखते चलिएगा आप। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो वो भी लिखते चलिए, जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू है या फिर होने वाला है। तो ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने इसी तरह के अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।